नमस्कार मित्रों, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, और उनसे भी कई हजार गुना ज्यादा आज के इस ज्ञानवर्धक खास और महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में वृश्चिक राशि वालों, खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपको तीन बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये जो अगले 24 घंटे का समय है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। अगले इन 24 घंटे के अंदर आपको एक साथ एक शोक संदेश, तीन बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, बंद कमरे में वीडियो बिल्कुल अकेले ही देखना, आपकी किस्मत संवरने वाली है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, कोई मोहम्मद की ही होगा जो आज की इस वीडियो को जानबूझकर नजरअंदाज करेगा। जो समझदार व्यक्ति होगा वह इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और इसका लाभ उठाएगा, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर भगवान की लीला आप अपनी आंखों से देखोगे। इसे ही कहते हैं भगवान का चमत्कार। दोस्तों बता दे, देवगुरु बृहस्पति आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान लेकर आ रहे हैं। जी हाँ, आपके जीवन में खुशियों का मेला लगने वाला है। जी हाँ, बता दे कि किस्मत के घोड़े ने रफ्तार पकड़ ली है। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर एक साथ तीन तीन बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, और साथ ही साथ एक शोक संदेश आपका इंतजार कर रही है। लेकिन आज की इस वीडियो जो पूरा देखेगा उन्हीं को यह खुशखबरी मिल पाएगा। सभी को ऐसी खुशखबरी नसीब नहीं होती है दोस्तों। हम आपके लिए एक बहुत ही गहरी जानकारी लेकर आए हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले भगवान श्री हरि विष्णु जी और न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी के जितने भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वे सभी लोग अपने इन प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक कर दें, और उन्हीं प्यारे हाथों से नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय हो शनि देव महाराज जरूर लिखें। दोनों देवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। तो प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु जी, जय शनि देव महाराज। दोस्तों अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ऊपर वाले जब भी देते हैं छप्पर फाड़ कर देते हैं, आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर अचानक आपकी किस्मत चमकेगी, जिससे कि तीन बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी। जी हां, इसलिए इस मौके को अपने हाथ से जाने मत देना, क्योंकि पांच बहुत बड़ी तूफानी खबर भगवान श्री हरि विष्णु जी और न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से आपको मिलने वाली है, वह भी आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर ही। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, यह जो अगले 24 घंटे का समय है, यह समय आपके लिए सोने पर सुहागा होने वाला है। बहुत ही कीमती समय है। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप इस समय को सोना बनाते हैं या फिर सोने में गुजारते हैं। अगर आप मेरे द्वारा बताए गए बातों का ध्यान में रखते हैं और वीडियो को पूरा देखते हैं तो संपूर्ण लाभ आप उठा सकते हैं। जी हाँ, पूरा वीडियो ग्रह नक्षत्र के चाल के हिसाब से बनाई गई है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, आप अपना थोड़ा सा कीमती वक्त जरूर दीजिए। आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर जो महत्वपूर्ण खुशखबरी आपको मिलने वाली है, खुशखबरी सुनकर आपके दोनों आंखों से आंसू नहीं रुकने वाले हैं। जी हां, आज की इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण बात हम आपको बताने वाले हैं, इसमें एक भी बातें गलत नहीं होगी। 100% संपूर्ण और सटीक भविष्यवाणी करेंगे हम इस ज्योतिष कार्यक्रम में। इसलिए इस ज्योतिष कार्यक्रम को बिल्कुल भी स्किप मत करना और ना ही अपने ध्यान को इधर उधर कहीं पर भटकने देना। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपकी कुंडली में बन रहा है रिद्धि सिद्धि योग गज, केसरी योग, बुद्धत्व योग, धनलक्ष्मी प्राप्ति योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, राजयोग, धन योग, साथ साथ नौकरी के भी योग बन रहे हैं। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, आपने बिल्कुल सही सुना। इतने बड़े महाशुभ संयोग आज तक आपकी कुंडली में नहीं बना होगा, क्योंकि पूरे 50 साल बाद इस तरह के महासभियोग आपकी कुंडली में बन रहा है। जिस्म की भगवान श्री हरि विष्णु जी और कर्म फलदाता भगवान शनि देव जी आपके ऊपर मेहरबान होने जा रहे हैं, जिससे कि अब आपको तो बड़ा धन लाभ तो होगा ही होगा। सबसे पहले तो आप यह बात जान ले, जी हां अब आपके जीवन में ऐसा ही पैसा होगा, खूब सारा पैसा आपके जीवन में आने की संभावना है। साथ ही साथ नौकरी योग भी बने हुए हैं, धन योग भी हैं, राज योग भी हैं। इसलिए अगले 24 घंटे के भीतर एक साथ एक शोक देश और तीन बहुत बड़ी खुशखबरी आपकी राशि वालों को मिलने वाली है। दोस्तों
इस खुशखबरी का आपको काफी लंबे समय से इंतजार था। कहते हैं ना, भगवान के पास जाकर भगवान के शरण में शीश झुकाने से सब कुछ मिलता है। भले देर लग सकता है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता है। यह बात तो सत्य है दोस्तों। आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपके जीवन में जो महा चमत्कार होने वाला है, यह आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जी हाँ, अब आपको हर एक प्रकार के सुख सुविधाओं की प्राप्ति होने वाली है। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हो चुकी हैं। अब आपको अपने मेहनत का पूरा पूरा फल मिलने वाला है, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके लिए शुभ मंगल समय आ गया है। तो दोस्तों, कौन कौन सी वह तीन बड़ी खुशखबरियां अगले 24 घंटे के भीतर आपको मिलने वाली है, और क्या बदलाव आपको अपने जीवन काल में देखने को मिलेगा, इसी के ऊपर आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है, बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है, क्योंकि बहुत बड़ा वरदान आपको मिला है। दोस्तों, आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसे ऐसे दिन हमारे जीवन में कभी आएंगे। दोस्तों, याद रखिएगा, जब वक्त अच्छा चल रहा होता है तब नफरत करने वाले भी चाहने लगते हैं, और जब वक्त खराब चलता है तब आपके चाहने वाले भी नफरत करने लगते हैं। तो ऐसे लोगों से बचकर ही रहना जो लोग गिरगिट की तरह अपना रंग बदलते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिंदगी में कभी भी मुश्किलें आई तो शिकायत मत करना, क्योंकि भगवान मुश्किलें उसी को देता है जो मुश्किलों से कभी हार नहीं मानता, और वह इंसान भगवान का प्रिय होता है। ऐसे लोगों को भगवान सब कुछ देते हैं, धीरे धीरे करके घर, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, ऐसो आराम की जिंदगी, परिवार, सुख, शांति, सुख, समृद्धि, सब कुछ मिलता है। हमारे गुरुदेव जी कहते हैं, और यह बात गीता में भी साफ साफ लिखा है, कि पानी में गिरने से किसी की मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु तो तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता। परिस्थितियों कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तभी बनती है जब उनसे निपटना नहीं आता। अगर समस्या है तो उसका समाधान भी है, बस सही समय पर सही निर्णय लीजिए, क्योंकि मेहनत का फल और समस्याओं का हाल थोड़ा देर से ही मिलता है। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कहें, जी गुरुजी, आपने बिल्कुल सही बोला, आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपके जीवन में खूब सारा पैसा आने वाला है। आपकी किस्मत के सितारे कहते हैं कि आपके जीवन में दो जगह से पैसा आने की संभावना है, लेकिन पैसों का सही सदुपयोग, सही इस्तेमाल करना और उसे अपने आने वाले भविष्य के लिए बचा कर रखें, क्योंकि हर समय एक जैसा नहीं होता है। यदि आज आपका समय अच्छा चल रहा है तो इसका मतलब यह नहीं आने वाला कल भी आपके लिए अच्छा ही रहेगा, क्योंकि आजकल के मौसम और किस्मत बदलते रहते हैं। इसलिए अपने किसी भी चीज पर घमंड मत करना। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आगे आने वाली समय अवधि में आपको अपने किस्मत का काफी ज्यादा साथ मिलने वाला है, जिस कारण आप अपने जीवन में अच्छी खासी तरक्की करते हुए नजर आएंगे। जी हमारे प्यारे मित्रों, कार्य क्षेत्र में भी आपको बेहतरीन सफलता देखने को मिलेगी। यदि आप नौकरी पैसा के जातक हैं तो नौकरी और व्यवसाय खूब अच्छा चलने वाला है। नौकरी और व्यवसाय के क्षेत्र में भी आप बेहतर लाभ प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। घर परिवार में सुख शांति का माहौल बनेगा, प्रेम और स्नेह से आपका जीवन खिलता हुआ नजर आएगा। निश्चित रूप से आपके रुके हुए कार्य संपन्न होते हुए नजर आएंगे, और आगे आने वाले समय अवधि में आपको कुछ बड़ी खुशखबरियां प्राप्त होती हुई नजर आएगी। देखिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूर्व समय अवधि में आपको काफी उलझन का, काफी मुश्किलों का, पर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। एक के बाद एक परेशानी, एक के बाद एक दिक्कतें, मुश्किलें आपके जीवन में आती रहती थीं, लेकिन अब ऐसा आपके जीवन में नहीं होगा। जी हां, देखिए दोस्तों, आपको अपने जीवन काल में काफी नकारात्मक स्थितियों का सामना करना पड़ रहा था। कई तरह की कठिनाइयों और संघर्ष दूर से इस राशि के जातक गुजर रहे थे। कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपको अपने प्रतिद्वंदियों का सामना करना पड़ रहा था। कड़ी संघर्ष के बावजूद भी पिछले समय अवधि में आपके लिए सफलता के योग दिखाई नहीं दे रहे थे। इस राशि के लोगों के जीवन में स्थितियां कुछ ऐसी चल रही थीं कि आप जीवन के उसे मोड़ पर आ गए हैं जहां से आपको आगे जाने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है और आप पीछे लौट नहीं सकते, यानी कि जिस स्थिति से आप गुजर रहे हैं ना ही उसे आप सह पा रहे हैं
और ना ही किसी से कह पा रहे हैं। और इसी को कहते हैं जिंदगी दोस्तों। ऊपर वाले जब परीक्षा लेते हैं ना, तो बहुत कुछ रहना पड़ता है और बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन याद रखिएगा, मेहनत करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है, मेहनत करने वालों की सदा जीत होती है, या तो ठीक होती है। और दोनों चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीज आपके लिए बहुत मायने रखती है। इसलिए इंसान को कोशिश करना हमेशा जारी रखना चाहिए। जहां तक दिखाई दे रहा है वहां तक चलिए, आगे की रास्ता वहां जाने के बाद खुद अपने आप दिखने लगेगा। अगर बात समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। देखिए दोस्तों, हमें अपने जीवन में अच्छे समय लाने के लिए बुरे हालातों से गुजरना पड़ता है, और एक अच्छा समय केवल उन्हीं लोगों के जीवन में आता है जो लोग अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, अच्छे लोगों का साथ देते हैं और एक दूसरे का भला करते हैं। क्योंकि जिनका कोई नहीं होता है उनका ऊपर वाला होता है। देखिए दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से आगे आने वाली समय अवधि में काफी श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम देखने को मिल सकता है, क्योंकि धन आगमन के काफी अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। निश्चित रूप से आपके जीवन में आर्थिक लाभ मिलने की संभावना बनेगी। देखिए दोस्तों, पिछले समय अवधि में की गई मेहनत के कारण आप इस समय अवधि में आर्थिक सहायता जरूर प्राप्त होगी। देखिए दोस्तों, करियर के क्षेत्र में आपको अपने भाग्य का साथ मिलेगा। करियर के क्षेत्र में आप काफी अच्छी प्रगति और तरक्की करते हुए नजर आएंगे। देखिए दोस्तों, यदि आप इस राशि के जातक हैं और यदि आप नौकरी करते हैं, तो इस समय अवधि में आपके लिए बेहद शुभ स्थितियों का निर्माण हो रही है। नौकरी में प्रमोशन हो सकता है, और जो लोग बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं उनकी वह समस्या दूर होती हुई नजर आएगी। किसी कंपनी से कॉल आ सकता है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी से बड़ी ऑफर आ सकती है। उसके लिए तैयार रहे, संदेश के माध्यम से बड़ी खुशखबरी मिलेगी, या फिर फोन कॉल ईमेल के जरिए भी आपको खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। इसलिए देखिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दे कि देवों के देव भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में खूब सारा धन दौलत और ढेर सारा सुख शांति लिखा है। फिलहाल अभी आपके जीवन में ही काफी परेशानियां चल रही हैं और आप अपने जीवन के परेशानियों से उबार नहीं पा रहे हैं, परेशानियों से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन आपको चिंता करने की और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यह जो समय अभी आपके जीवन में चल रही है, यह बहुत ही मुश्किल समय चल रही है। आपको इस मुश्किल समय से बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको निरंतर प्रयास करते रहना है। क्योंकि अभी यह जो समय है, यह अभी आपका इम्तिहान का समय चल रहा है। ऊपर वाला ईश्वर अभी आपका इम्तिहान ले रहे हैं, फिर उसके बाद ईश्वर जो चीज आपको देंगे, आप अगले 7 जनों में भी नहीं काम पाओगे और ना ही इकट्ठा कर पाओगे। मैं जानता हूं कि आप कितने अच्छे और सच्चे नेक दिल के इंसान हैं। अपने अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया है और ना ही किसी के बारे में ही बुरा सोचा है। लेकिन फिर भी लोगों ने आपको नहीं समझ पाया। जिसने आपको जिस नजर से देखा है उसने आपको वैसा ही समझा है, लेकिन आप कैसे हैं यह आप जानते हैं और ऊपर वाला ईश्वर जानते हैं। जब ईश्वर आपके साथ खड़े हैं और परछाई बनकर आपके साथ घूम रहे हैं, तो आपको चिंता करने की क्या जरूरत है? जो जैसा सोचते हैं उन्हें वैसा सोचने दो दोस्तों। जो इंसान बेवजह किसी को परेशान करता है, तब उस समय ईश्वर का निराला खेल शुरू होता है। और जब ईश्वर का निराला खेल शुरू होता है, तो सभी चीजों का हिसाब किताब होता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सफलता की अंतिम घड़ियां सामने आ चुकी है। वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आखिर कब आपको अपने जीवन में खुशियां मिलेगी? कब आप अपने जीवन में सभी सुखों का लाभ उठा पाओगे? आखिर आपके जीवन से यह दुख कब खत्म होंगे? आप अपने जीवन में क्या गलतियां कर रहे हैं जो कि आपको इतना दुख मिल रहा है? सारी चीज आज की इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो को एकदम अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपके नाम का पर्चा खुल चुका है। अब सब कुछ खुलासा होने वाला है, एक एक करके सभी राज आपके खुलने वाले हैं। दोस्तों, कलयुग में ऐसा पहली बार हुआ है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दे कि आज से पहली बार हमने वीडियो बनाई है, लेकिन आज की यह जो वीडियो है, यह वीडियो आपके लिए कुछ खास है, आपके लिए कुछ अलग है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों,
आज की यह वीडियो आज तक की सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। देखिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इंसान को कभी भी घबराना नहीं चाहिए। जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, जब आप लोगों को पता है कि कोई भी चीज जीवन भर नहीं चलता है, तो डरने की और घबराने की क्या जरूरत है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन में सुख आए तो घमंड मत करना, और अगर दुख आए तो थोड़ा सा सब्र रखना। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदल सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। गीता में साफ शब्दों में लिखा है, निराश मत होना अपने जीवन से, क्योंकि कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। तू जो कर सकता है वह कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर ने आपके अंदर जो खूबियां दी हैं वह किसी के अंदर हो ही नहीं सकता। ईश्वर ने हर किसी को एक यूनिक बनाया है, हर किसी को बेहतरीन बनाया है। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, और यदि ईश्वर के ऊपर भरोसा है तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। देखिए दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी एक डिसीजन आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है या फिर आपकी जिंदगी को आबाद कर सकता है, इसलिए सोच समझकर ही डिसीजन देना बेहतर रहेगा। दोस्तों, सुखी जीवन जीने के 3 मंत्र हमेशा याद रखिएगा। जी हाँ, अगर यह 3 मंत्र आप अपने जीवन में हमेशा याद रखते हैं तो आप अपने जीवन में कभी भी आगे चलकर पछताओगे नहीं, कभी भी आगे चलकर रोना नहीं पड़ेगा। वह कौन से 3 मंत्र हैं, ध्यान से सुनिएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको उन 3 मित्रों के बारे में बताएंगे जो कि बहुत ही खास है। पहले है, क्रोध में उत्तर मत दीजिए। जी हाँ, अगर आपको बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा है, आप बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, तो आप एकदम चुप रहिए, कुछ भी जवाब मत दीजिए। जब तक आपका गुस्सा शांत ना हो जाए, एकदम पूरी तरह से आपका गुस्सा ठंडा ना हो जाए, तब तक आपको कोई भी जवाब नहीं देना है। और दूसरा है, दुख में निर्णय मत लीजिए। जब आपका खराब समय चल रहा हो तब आप अपना ज्यादा दिमाग मत लगाइए। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि दुख के समय में बुद्धि ज्ञान भ्रष्ट हो जाती है, दिमाग काम करना बंद कर देता है, कुछ से कुछ गलत सलाह कार्य करने लगता है। इसलिए दुख के समय में आप कोई भी डिसीजन मत लेना। और तीसरा है, आनंद में वचन मत दीजिए। जी हाँ, क्योंकि आनंद के समय में दिया गया वचन भी व्यर्थ हो सकता है। यह 3 बातें आपको अपने जीवन में हमेशा याद रखनी है। समय रुकता नहीं है, यदि आज समय बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा समय आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अपने कम कीजिए और वही आपके हाथ में है। हमारे गुरुदेव जी कहते हैं कि ईश्वर जो भी करते हैं सब आपकी भलाई के लिए ही करते हैं, इसीलिए ईश्वर की हर एक फैसले से इंसान को खुश रहना चाहिए। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से कहना, गुरुजी आप बिल्कुल सही बोले, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा जबरदस्त बदलाव लेकर आने वाला है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं बेटा, मुबारक हो। अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में खुशियों की घंटी बजने वाली है। जी हाँ, देवों के देव भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से अगले 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ी भयानक खुशखबरी आपको मिलने वाली है। इसीलिए थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को अभी देख लो, वरना बाद में बहुत देर हो जाएगी, और जब देर हो जाएगी तो यह मौका आपके हाथ से चला जाएगा, यह खुशखबरी आपके हाथ से छूट जाएगा, और फिर आप बाद में पछताने लग जाओगे और कहोगे कि गुरुजी हमें कोई खुशखबरी नहीं मिला, इस मौके का लाभ हमें नहीं मिला, हम इस मौके का लाभ नहीं उठा पाए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अंतरिक्ष की सभी 33 करोड़ देवी देवता ने दिया गुप्त संदेश। जी हां, अब होगा आपके जीवन में असली चमत्कार और असली बदलाव। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब आपके दुश्मनों का पसीना बंद नहीं होगा। जी हां, और अगर इसे जानबूझकर अनदेखा करोगे तो फिर बाद में हमें कुछ नहीं कहना। दोस्तों, देवों के देव भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से यही वह मौका है अमीर बनने का। अगर यह भी मौका आपके हाथ से चला गया तो फिर बाद में आप कभी भी बड़ा आदमी नहीं बन पाओगे, क्योंकि आप अपने जीवन में बहुत ठोकर खाए हो। लेकिन अब आप अपने जीवन में ठोकर नहीं खाओगे, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपको खुशखबरी ही कुछ ऐसी मिलने वाली है। देवों के देव भगवान महादेव जी आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं, और खुशखबरी सुनकर आप हैरान हो जाओगे। जी हां, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी।
इतनी बड़ी और भयानक खुशखबरी आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर मिलने वाली है। वह भी आपकी राशि वालों को एक प्रकार से यूं कहें कि खुशखबरी सुनकर आपको शक्कर आने लगेगा, क्योंकि मेरे प्यारे मित्रों, आपने जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था वही कांड अब आपके जीवन में होने वाला है। जी हां, अगले 24 घंटे के भीतर आपके जीवन में खुशखबरी की घंटी बजने वाली है, खुशियों का कॉल आने वाला है और साक्षात देवों के देव भगवान महादेव जी यह खुशखबरी आपको अपने हाथों से देने वाले हैं। आपके नाम बहुत बड़ा संदेश आ चुका है। आखिर क्या है वह संदेश, अगर आप जानना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। देखिए दोस्तों, वीडियो आप लोग अंत तक देखते नहीं है, वीडियो को भगा भगा कर देखते हैं या फिर वीडियो को आधा अधूरा देखकर ही छोड़ देते हैं, इसलिए आपको अपने जीवन का परम सुख नहीं मिल पाता है। अगर आप अपने जीवन का परम सुख, जीवन का उत्तम सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। सच में खुशखबरी सुनकर आप लोग रोने लग जाओगे दोस्तों। कहते हैं ना, नसीब का लिखा कोई नहीं बदल सकता, जो आपके भाग्य में है वह आपके पास भाग कर चला आएगा और जो आपके भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। दोस्तों आप यकीन मानिए, जिनके ऊपर आप अपने दोनों आंख मूंद कर भरोसा कर रहे थे, जिस व्यक्ति के साथ आप अपनी जिंदगी बिताने को सोच रहे थे, जिस व्यक्ति के ऊपर आप खुद से ज्यादा भरोसा कर रहे थे, उसी से अब आपको धोखा मिलने वाला है। जी हां, और जब आप धोखा खाओगे तब आपको सब कुछ सच्चाई समझ आ जाएगा कि गुरुजी ने हमें पहले ही कहा था और हमें मन भी किया था, लेकिन हमने गुरुजी का बात नहीं माना और हमें आज यह दिन देखना पड़ रहा है। आपके जीवन में जो होगा देखकर आप खुद ही कहोगे कि यह सब हमारे ही कर्मों का फल है, हमने अपने पांव पर अपने आप ही कुल्हाड़ी मारे हैं। दोस्तों अगर आप अपनी जिंदगी का सलामती चाहते हैं और अपने जीवन में ठोकर नहीं खाना चाहते हैं, अपने जीवन को सही सलामत रखना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप बहुत बड़ी गलती करने लगे हो, और अगर यह गलती आपने कर दी दोस्तों, जाने अनजाने में भी यह गलत ही अगर आपसे हो गई तो आपके सारे के कराए पर पानी फिर सकता है। जी हां, क्योंकि विधाता ने आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला है, इसलिए सावधान हो जाइए और आज की इस वीडियो को पूरा देखिए, कहीं आपकी एक छोटी सी गलती ही आपके लिए सबसे बड़ा समस्या का कारण न बन जाए। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको वो सावधानियां भी बताएंगे जो सावधानियां आपको अगले 24 घंटे के अंदर बरतनी है और पालन करनी है। और आपके लिए खुशखबरी तो है ही, वह खुशखबरी तो हम आपको सुनाएंगे ही और वीडियो के अंत में हम उपाय भी बताएंगे, तो बस बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में अंत तक। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों से एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूंगा कि वीडियो को एक लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव, कालों के काल, जय श्री महाकाल जरूर लिखे। जो भी प्रेम से, सच्चे दिल से कालों के काल जय श्री महाकाल लिखेगा, उनके जीवन में ना रहेगा कोई दुख और ना कोई जंजाल। तो प्रेम से बोलिए जय श्री महाकाल। आज का दिन आपके लिए विशेष है, क्योंकि आज आप किसी दूसरे शहर में रहने वाले से या विदेश में किसी से संपर्क स्थापित करेंगे। यह आपके करियर के लिए फायदेमंद होगा। अपने मेल देख लें, क्योंकि मेल बॉक्स में कोई महत्वपूर्ण अवसर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। विदेश में रह रहा कोई मित्र आपको साथ काम करने के लिए आमंत्रित कर सकता है। शुभ रंग सफेद है, आप पूरे मन से सुंदर और फिट दिखना चाहते हैं। हालांकि इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक पार्टनर की सहायता जरूरी है। एक बार अपनी डाइट की समीक्षा दोबारा कर लें, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा कुछ हो सकता है जिसे खाने से आपको एलर्जी हो जाए। सलाहों का पालन कम और वर्कआउट अधिक करें। तर्क और झगड़े में आज आपका दिन जा सकता है। अपने साथी के साथ आज किसी भी मुद्दे को उठाने से बचें। अगर एक व्यक्ति बोलना बंद करे तो झगड़ा अपने आप रुक जाए। इस समय शांत रहे, कोमल और प्यार का व्यवहार रखे। अपने साथी के तर्क को समझे और उसके वितर्क में कुछ भी ना बोले। अपने साथी का ध्यान उन खुशनुमा पलों की तरफ ले जाएं जो आपने साथ बिताए थे। दिन थोड़ी सी क्षति पहुंचाकर खत्म होगा। आज आपको एक अच्छी नौकरी की पेशकश मिल सकती है, लेकिन आपको इस नौकरी का लाभ लेने के लिए एक अलग शहर या यहां तक कि किसी दूसरे देश में बदलाव करना पड़ सकता है। ये नौकरी की पेशकश बहुत ही आकर्षक लग सकती है, पर यह आपके परिवार के सदस्यों पर प्रभाव डालेगी, इसलिए इसे स्वीकार करने से पहले आपको विभिन्न कोणों पर विचार करने की जरूरत है। आज
आपका मूड हल्का फुल्का और नाटकीय बना रहेगा और आज आप हर खूबसूरत चीज से प्रभावित होंगे। इससे आपका कुछ अनावश्यक खर्च भी हो सकता है। आज आप जो भी करेंगे उसमें सौंदर्य बोध का काफी असर रहेगा। आज सुंदरता से संबंधित कोई उपचार ले सकते हैं। पूरे दिन हंसी मजाक वाले मूड में रहेंगे और इससे कार्यस्थल पर भी माहौल खुशनुमा रहेगा। आप काम के पीछे इतने पागल हैं कि कई बार तो अपनी उपलब्धियों पर खुश होना भी भूल जाते हैं। इनसे खुशी महसूस करने के लिए एक बनाएं और उनके उत्तर ढूंढें। प्रश्न इस तरह के हो सकते हैं, क्या घर में आपके पसंदीदा फल मौजूद हैं? क्या आपकी अलमारी में आपके मनपसंद कपड़े हैं? इसके बारे में भी सोचें कि आप कैसे दिखते हैं। आप भगवान के द्वारा बनाए हुए अद्वितीय और विशेष हैं और किसी को आपके बारे में गलत बोलने का अधिकार नहीं है। अगर आप ऐसे महसूस करते हैं तो सूक्ष्म कोमलता और शान से अपने कार्यों से अपना जवाब दीजिए। स्थिति में एक मोड़ आएगा, आपका साथी आपको समझेगा। वर्तमान में आपका प्यार परिवेश के कारण व्याकुल है, लेकिन जब कठिन स्थिति आएगी तो आपके साथी को आपका महत्व पता चलेगा। आज आप व्यवसायी की तरह सोचेंगे और धन पर नियंत्रण रखेंगे। इसका परिणाम यह होगा कि धन तो संचित होगा पर आपके परिवार के खर्चे बढ़ेंगे, जिसका उत्तर आपको ढूंढना होगा। असुरक्षा की भावना की वजह से आप जरूरत के खर्चों पर भी लगाम लगाने की कोशिश कर सकते हैं। इस तरह की कृपणता की प्रवृत्ति से आपको बचना होगा, क्योंकि आपका धन प्रवाह सुचारू रहेगा। यह समय अपने लक्ष्य के लिए गंभीरता से कोशिश करने का है। आपको बहुत जल्दी इसका फल भी मिलेगा। आप अभी कुछ बातों के बारे में सोच रहे थे, उनको कार्यान्वित करने का समय आ गया है। आपको अपना सारा ध्यान अब इसी पर लगाना होगा। हालांकि आप इसके कारण बहुत व्यस्त रहेंगे, लेकिन आपको इसका अच्छा फल भी जल्दी मिलेगा और आपकी सफलता की इच्छा बढ़ेगी। ऐसा लगता है जैसे आप अपने बनाए फिटनेस कार्यक्रम के अनुसार चल पाने में खुद को असमर्थ पा रहे हैं। चिंता न करें, आप जल्द ही अपनी पुरानी शेप वापस पा लेंगे। इसके अलावा आपकी सेहत भी अच्छी है। इसके लिए बस वैसे ही उत्साही बने रहने की जरूरत होगी जैसे आप इस समय हैं। पिछले कुछ समय से आपकी त्वचा पर टैन आ गया है, इसीलिए इसे फलों के अर्क से रगदचकर साफ कर लें। आपके दिल दिमाग में एक साथ बहुत सी विपरीत भावनाएं चल रही हैं। वास्तव में आपके लिए एक से अधिक रोमांटिक पार्टनरों में से किसी एक को चुनना बहुत मुश्किल हो रहा है। हालांकि इसका जवाब बिल्कुल स्पष्ट ही है, फिर भी आपको कई बार अलग अलग भावनाएं अपनी तरफ खींचेगी। इसीलिए इस समय अपनी लव लाइफ के बारे में कोई भी बड़ा फैसला न लें। आप अपने कार्यों को करते हुए धैर्य रखते हैं, पर आज आप में अधिकार की भावना रहेगी। आपको ये एहसास करने की जरूरत है कि चीजें अपनी गति से आगे चलेंगी और ज्यादा पाने की चाह आपको पीछे की ओर धकेल सकती है। आप में हमेशा धैर्य की भावना रही है और हमेशा से निर्धारित मार्ग की तरफ आप अग्रसर रहे हैं। आपको ये याद करने की जरूरत है कि क्यों आप इस पथ पर आगे की ओर बढ़े थे और उसी पथ पर आगे बढ़ते रहे। अगर किसी के साथ इन दिनों आपके संबंध सही नहीं है तो आज उनसे इस बारे में बात कर सकते हैं। उनकी भी बात ध्यानपूर्वक सुने। सामने वाले को न तो इतनी छूट दें कि आपको रोंद कर आगे बढ़ जाए, ना ही बहुत रूखा व्यवहार करना ठीक होगा। ऑफिस में आज किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात संभव है, सतर्क और सक्रिय रहें। आप उठकर कुछ कर दिखाने के जोश से भरे हुए हैं, लेकिन आप जैसे ही शुरुआत करेंगे आपका मूड अपने करीबी लोगों के खराब व्यवहार से खराब हो जाएगा। फिर भी सामाजिक मुद्दों के कारण अपनी सेहत को प्रभावित न होने दें। आपको आने वाले दिनों में काफी तनाव का सामना भी करना है, इसीलिए किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहें और खुश रहें। माहौल मस्ती का है। आपकी मुलाकात काफी आकर्षक व्यक्ति से हो सकती है। आप उसके साथ यादगार समय बिताएंगे। सितारे आपके पक्ष में हैं। यह आदमी आपका काफी करीबी बन सकता है। अभी के लिए अपनी काम संबंधी सभी चिंताओं को एक तरफ रख दें और इस खास आदमी के साथ खास समय के एक एक पल का आनंद लें। आपको कई नई बातें भी पता चलेंगी। आज के दिन की शुरुआत उल्लेखनीय होगी। आपको पदोन्नति या नई जिम्मेदारी की पेशकश की जा सकती है। आज आपको यह बात समझ आ जाएगी कि केवल जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव लाने भर से ही आप अधिक खुशहाल और स्वस्थ जीवन बिता सकते हैं।
जिस आदत के बारे में आप जानते हैं कि यह आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, उसे छोड़ डच दें। आप अपने भीतर उसे छोड़ डचने की ताकत महसूस कर सकते हैं। अगर आप पहले से ऐसी कोई आदत छोड़ चुके हैं तो अब आपको इन बदलावों का अच्छा असर अपने शरीर और मन दोनों पर दिखना शुरू हो जाएगा। आप आज बेचैन और असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। आपको अपने पार्टनर की भावनाओं पर विश्वास कर पाना भी मुश्किल लगेगा। आपको अपने संबंध से एक छोटा सा ब्रेक लेकर उन कारणों के बारे में गहराई से सोचना चाहिए जिसने आपको यह सोचने पर मजबूर किया है। इस सोच विचार के बाद आपको काफी राहत महसूस होगी और आप अपने आप तथा अपने पार्टनर के बारे में विश्वस्त अनुभव करेंगे। आज आपको एक सुपर हीरो की तरह शक्तियां मिल सकती है। आपके लंबित कार्य और परियोजनाओं के पूरा होने के संकेत दिखाई देंगे। आप अपने करीबी लोगों के साथ आज मिल सकते हैं। अपनी टीम को प्रेरित और प्रोत्साहित करें। आपका सहयोगी अपनी जिम्मेदारियों से दूर भाग सकता है, इसलिए चालाकी से काम लें। आप अपने पुराने निवेश पर ब्याज मिलने से हैरान हो सकते हैं जिसे आपने लगभग भुला ही दिया था। आज आपके सब कामों और विचारों में एकाग्रता और शांति रहेगी। आप किसी विवाद से प्रभावित नहीं होंगे। दरअसल कार्यस्थल पर भी ऐसी स्थिति बन सकती है कि आपको शांतिदूत बनना पड़ दे। घर के सुधार का कोई कार्यक्रम बना सकते हैं या अपने घर की समस्याओं को सुलझाने या संबंधों को बेहतर बनाने के लिए काम कर सकते हैं। आपको अब धीरे धीरे यह बात समझ में आ पा रही है कि आपको अपने खाने के पैटर्न और अपनी जीवन शैली में कुछ बहुत बड़े बदलाव करने की जरूरत है, लेकिन आप इस बारे में संदेह के कारण कोई पक्का निर्णय नहीं ले पा रहे। आज आपके सारे संदेह दूर हो जाएंगे और आप एक स्वस्थ जीवन शैली के लिए आवश्यक सभी कदम उठा पाएंगे। आपको इस बारे में अपने आसपास रहते किसी आदमी से प्रेरणा भी मिलेगी। आज का दिन अपने परिवार के मामलों में विशेष रुचि लेने के लिए महत्वपूर्ण है। आप कुछ समय के लिए अपने कैरियर की प्रतिबद्धताओं के कारण अपने रिश्तों की अनदेखी कर रहे थे। आपने अपने करियर में वह सब पा लिया है जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की, परंतु अब अपने रिश्तों की ओर अपना ध्यान देने की जरूरत है। इस समय अपने रिश्तों का पोषण करना आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण घटक साबित हो सकता है। आपके भावनात्मक व्यवहार की वजह से आपका कार्य गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। आप इसके आदि हो चुके हैं और इससे छुटकारा पाने में आपको समय लगेगा। अपनी इस संवेदनशीलता का आसपास के अन्य लोगों के प्रति समानुभूतिक रहकर इसका लाभ आप उठा सकते हैं। खाली समय में अचल संपत्ति में निवेश के लायक जगह आप तलाश सकते हैं। आज आप जो भी कुछ शुरू करेंगे उसमें चाहे कितनी ही बाधाएं आए, आपको सफलता मिलनी तय है। दिन के अंत तक आप दूसरों से फिर से बेहतर संबंध बना पाएंगे। अपनी प्रकृति में एक जरूरी बदलाव लाएं। हर संबंध में केवल अधिकार जताने की कोशिश में ना रहें। सबको बराबरी का दर्जा दें और आपको भी बदले में सबसे प्यार मिलेगा। आपको आज का दिन आराम से गुजारना होगा। सुबह उठने से ही लेकर आप काफी आलस सा महसूस करेंगे जिसका असर आप पर पूरे दिन बना रहेगा। दिन जैसे ही आगे बढ़ेगा आपकी जोड़ों की दर्द और कमर दर्द की समस्या गंभीर रूप लेती दिखाई दे रही है और आपको इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि आप ऐसे कार्य न करें जिनसे दर्द बढ़ जाए। आज समय है कि आप अपने सब कामों से छुट्टी लेकर आराम से दिन बिताएं। आज आप ऐसे साथी से मिल सकते हैं जिसका आप सपना देखा करते थे। यह व्यक्ति आप ही की तरह दिलचस्प और साहसी होगा। आप कुछ समय से इस तरह के व्यक्ति से मिलने की कोशिश कर रहे थे। प्रेम की चिंगारियां आप में रहेंगी और आप उस व्यक्ति के बारे में सोचते रहेंगे। उस व्यक्ति को धीमे से अपनी प्रेम रूपी भावनाएं व्यक्त करना न भूले। आप धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं। आज का दिन किसी भी बड़े निवेश या खरीद के लिए उपयुक्त नहीं है। आज धन के मामलों में किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा न करें, अन्यथा आपको काफी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ डीडीडीएच सकता है। फिर भी सही समय पर पर्याप्त विवेक के साथ आसानी से आप अपने धन की रक्षा कर सकते हैं। आज यात्रा के लिए न कोई योजना बनाएं और न ही कोई भुगतान करें। आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ है। आपको वित्तीय क्षेत्र में अपने प्रयासों के चलते लाभ होगा। आप अपने परिजनों के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध चीज खरीदना चाहेंगे। बस इतना ध्यान रखें कि सारा पैसा खर्च न करके
कुछ बचत भी कर लें। आप अपने पार्टनर के साथ कुछ बहुत खास पल गुजारेंगे जिन्हें आप हमेशा याद रखेंगे। आप काफी ऊर्जान्वित महसूस हो रहे हैं। यह सब आपके नियमित व्यायाम करने तथा संतुलित भोजन का परिणाम है जिसका पालन आप लंबे समय से करते आ रहे हैं। इसे बनाए रखें। अगर संभव हो तो अपने स्वास्थ्य की जांच भी करा लें। जो पेशे से स्वास्थ्य प्रशिक्षक हैं उनके लिए करियर में बहुत अच्छा समय है। आज कोई अन्य व्यक्ति आपके प्यार के जीवन में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर सकता है। यह आप पर निर्भर करता है कि वो कितना सफल होंगे। अगर आप उनकी बातों को सुनते और प्रभावित होते हैं तो ये आपके प्रेम प्रसंग को नीचे की तरफ धकेल सकता है। इसके अलग अगर आप बाहरी व्यक्ति की बातों पर ध्यान न दें तो ये आपके रिश्ते को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है। आज का दिन आपके लिए व्यस्त रहने की संभावना है क्योंकि आपकी उपस्थिति अलग अलग दिशाओं में वांछनीय होगी। हालांकि अपने व्यक्तिगत विकास के लिए आप अधिक से अधिक समय समर्पित करने की कोशिश करें। ऑनलाइन परीक्षाओं या प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन कुछ मार्गदर्शन की तलाश करें। आज आपको खर्चों की तुलना में अधिक बचत पर ध्यान देना होगा।